أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون کل گفتگو تھی بنیادی مسئلے پر جو حیات انسانی کا بنیادی اور اساسی مسئلہ ہے اور وہ ہے صیانت ذات حفاظت ذات. یہ گفتگو آپ سب کو معلوم ہے اس طرح سے شروع ہوئی تھی کہ اسلامی نظریہ حیات کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے جناب خورشید احمد صاحب کی اہم کتاب کو پیش کیا اور یہ کتاب چونکہ جامعہ کراچی کی تصدیق شدہ اور اجازت یافتہ ہے اور پھر اس وقت نصاب میں داخل ہے تو اس کتاب نے اسلامی نظریہ حیات پر روشنی ڈالتے ہوئے جہاں سے گفتگو کو چھیڑا وہ یہ ہے کہ انسان کے بنیادی مسائل کیا ہیں, حیات انسانی کے بنیادی مسائل کیا. مگر جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا پہلے ہی جملے کے بعد یہ کہا گیا کہ فطرت انسانی تجسس کے عالم میں یہ پوچھتی ہے کہ ہم کہاں سے آئے, کہاں جائیں گے, کائنات سے ہمارا کیا ربط ہے, ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے کہ نہیں ہے, ہمارا انجام کیا ہوگا, ہم کو کس طرح سے رہنا چاہیے. اب یہ سوالات گنوائے گئے. میں نے کل اب کیا سوال اور مسائل میں فرق. بنیادی مسئلہ سارے انسانوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم کہاں سے آئے کہاں جائیں گے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کی, اپنے گھر والوں کی, اپنے متعلقین کی حفاظت کس طرح سے کرے, موسموں سے حفاظت, حملہ کرنے والوں سے حفاظت, غربت سے حفاظت, فلاکت سے حفاظت, بھوک سے حفاظت,
हर मंजिल पर किस तरह से अपनी हिफाजत करें। चुनाचे ये बुनियाद है इंसान की कि कानून जज्बो दफा अपने कमाल पर इंसान में नुमाया है। हयात कमजोर से कमजोर पहलू को जहां पेश करती है एक खलिये की जिंदगी में, एक सेल की जिंदगी में, वहां भी जज्बो दफा है कि कुछ जज्ब करो कुछ दफा करो। जीने का तरीका यह है, जज्ब में भी हिफाजत है दफा में भी हिफाजत। बिल्कुल इसी तरह इंफिरादी तौर पर जब इंसान में जाकर हयात बहुत ज्यादा नाकाबिल फहम हो जाती है, नाकाबिल इजराक हो जाती है कि एक ही सांस और वो जब तक चले, आंखें देखें कान सुने नाक सूंघे जबान चखे इंसान महसूस करे, यानी उसके तमाम जलवे मुख्तलिफ हैं। जहां वो सांस रोके आंखें रहें मगर देख न सके, कान रहें मगर सुन न सके, हाथ हो मगर हब्ज़ो खुशात की कुव्वत न रहे, और इस तरह से इंसान महसूस न करे, तो हयात इंसान की मंजिल पर पहुंचकर नाकाबिले फहम हो जाती है, नाकाबिले इतरा। तो इतनी कवी जहां हो जाती है हयात, वहां एक ही मसला है कि आंखों की हिफाजत, कान की हिफाजत, नाक की हिफाजत, जबान की हिफाजत, मेदे की हिफाजत, शिकम की हिफाजत, पूरे जिस्म की हिफाजत, अकल की हिफाजत, फिक्र की हिफाजत, शऊर की हिफाजत, इन्फिरादी तौर। और इसी हिफाजत में वो कबीले बना के जीता है कि सब मिलके रहे तो अपनी हिफाजत है, कबीले के सरदार को चुनता है कि शाही में अपनी हिफाजत है, मुख्तलिफ सरदार एक जमा जगह जमा हो जाते हैं शहीन शाही में उसकी हिफाजत है। इस तरह से रियासतों का तसव्वुर पैदा होता है, रियासतें कायम होती है, ये सब हिफाजत ज़ात में है, ये सब हिफाजत ज़ात है। तो इनफिरादी तौर पर भी वो अपनी हिफाजत चाहता है, इज्तिमाई तौर पर भी अपनी हिफाजत चाहता है, जिंदगी के आगाज से लेकर जिंदगी के अंजाम तक हर कदम पर अगर वो सेहत को रखना चाहे, इल्म हासिल करना चाहे, दौलत हासिल करना चाहे, तो ये सब हिफाजत की मुख्तलिफ सूरतें हैं। फ़क्र से महफूज होना चाहता है, दौलत चाहता है, बीमारी से महफूज होना चाहता है, सेहत चाहता है। बिल्कुल इसी तरह इज्तिमाई तौर पर अगर दुश्मन का डर हो तो अपनी पूरी कुव्वतों को जंग की तेज तर कर देता है, फकत इसलिए कि वो चाहता है कि हिफाजत हो, सियानत ज़ात हो, मजमे की हिफाजत हो, शहर की हिफाजत हो, मिल्लत की हिफाजत हो, कौम की हिफाजत हो। इस हिफाजत के लिए कुरान मजीद ने जिस इस्तिलाह को वज़ा किया है वो तकवा है। ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नार, अपने नफ्सों को बचाओ, अपने नफ्सों की हिफाजत करो, अपने अहल अयाल की हिफाजत करो। इसी से तकवा है, यानी वो जो अपनी आप हिफाजत करे, अपनी आप हिफाजत। फत्तकुल्लाह, अल्लाह को मुहाफिज बनाओ, अल्लाह को अपनी सिपर बनाओ। ये हिफाजत की मंजिल है कि वो एक मरतबा यह सोचता है कि मुझे महफूज करने वाली ताकत कौन सी है, और ऐसी ताकत हो कि जिसको पुकारूं तो हिफाजत करे, जो हर वक्त मुझसे करीब हो, जो हर वक्त मुझे देखे, जो हर वक्त मेरी निगरानी करती रहे। यही हिफाजत ज़ात और सियानत ज़ात का मसला है, जहां वो अपने खुदा में ईमान रखता है। अब गुफ्तगू समझ में आई, जहां वो अपने खुदा में ईमान रखता है। और मेरे अजीज दोस्त जो इस्लामी नजरिए हयात की किताब लिख रहे हैं, उन्होंने कुरान को नहीं देखा। कुरान शुरू होता है इसी हिफाजत ज़ात से, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना यूमिनूना बिल ग़ैब। हिदायत है ये किताब, हिदायत है ये किताब उनके लिए जो अपनी हिफाजत करे, जो अपने आप को महफूज रखे, जो अपने को गार्ड करे, जो अपने को बचाए, अपनी आप हिफाजत का ख्याल रखे। जहां हिफाजत का ख्याल आया यूमिनूना बिल्ग़ैब, यूमिनूना बिल्ग़ैब, ग़ैब पे ईमान है, कोई मुझे है बचा लेगा, कोई मेरा है बचाने वाला, कोई यकीनन मेरा मददगार है, कोई यकीनन मेरा मुहाफिज़ है। और इस तरह से
ہے وہ خالق کے ایک تصور کو پختہ اور پختہ تر کرتا جاتا ہے. دیکھیے ہم چاہتے ہیں کسی مبحث پر کوئی کتاب لکھی جائے, مسلسل تو ہو, کنٹینیوس تو ہو. یہ ایک ایسا فارمولا ہم چاہتے ہیں, ایک ایسا فارمولا ہم چاہتے ہیں کہ جو آغاز کتاب سے لے کے اندھا میں کتاب چلا. اب آپ کے عنوان کیا ہے؟ عنوان یہ ہے کہ اسلام کا طریقہ زندگی کیا ہے, رسالت کے کیا معنی ہے, توحید کے کیا معنی ہے, نماز سے کیا مقصد ہے, روزے سے کیا مقصد ہے, حج کا کیا مقصد ہے. یہ اسلامی نظریہ حیات کے عنوانات ہیں. اور کتاب ختم کہاں ہوئی؟ اسلام کا سیاسی نظریہ, اور آخری بات خلافت. اب شروع سے لے کے آخر تک فقط اگر یہی بحث رہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں کہاں سے آیا, مجھے کہاں جانا ہے, اور میرا انجام کیا ہے, آغاز کیا ہے, تو ہر چیپٹر کو آپ اس تجسس سے مسلسل کیسے کریں گے؟ وہ جو فطرت تجسس ہے کہ میں کب آیا, کہاں سے آیا, کہاں جاؤں گا, اس سے اسلام کے نظام سیاسی کو کیا ربط ہے؟ نماز روزے حج زکات کو کیا ربط ہے؟ بجرد کے کھینچ تان کے آپ بار بار انہی جملوں کو دہراتے جائیں, بجائے اس کے ہم نے جو فارمولا پیش کیا ہے تقویٰ کا, ایمان بالغیب میں وہ ہے, اور اسی حفاظت کے تصور میں کہ خدا میرا محافظ, اس نے میری محافظت کے لیے مجھے صحیح راستہ بتلانے کے لیے رسول بھیجے. رسول نے میرے نفس کی حفاظت کے لیے, میری روح کی حفاظت کے لیے, میرے عقل و شعور کی حفاظت کے لیے نماز کو بھی واجب کیا, روزے کو بھی واجب کیا, حج کو بھی واجب کیا. یہ مقام تقویٰ. اور پھر اگر میں اپنی آپ حفاظت چاہتا ہوں تو جیسے ہم قبیلے کا ایک سردار ڈھونڈتے ہیں, جیسے ہم ایک بادشاہ کو چاہتے ہیں, جیسے ہم ایک حکمران کو چاہتے ہیں کہ اجتماعی طور پر ہماری محافظت کرے, اسی طرح سے اسلام چاہتا ہے کہ تمہارا ایک سردار رہے. اور وہ کیسا ہو؟ وہ کیسا ہو؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارا, تمہارے میں بہتر, تم میں سے سردار, تم میں بزرگ, تم میں کرامت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. آپ نے دیکھا, اگر تقویٰ کو آپ فارمولا بناتے ہیں اسلامی نظریہ حیات کا, تو باب اول سے لے کے باب آخر تک تقویٰ ساتھ جائے گا. یہ کنٹینیوٹی آف تھاٹ ہے, ورنہ کبھی ادھر ہاتھ پاؤں ماریں گے, کبھی ادھر دوڑیں گے, کبھی ادھر بھاگیں گے. اور جیسے ایک گھبرایا ہوا محرک عنوان سے دور ہو کر دو چار جملے بیان کرے, پھر ایک مرتبہ عنوان کا تذکرہ کر دے کہ میں اس عنوان پہ گفتگو کر رہا ہوں, پھر دو چار جملے کچھ اور کہہ دے, پھر کہہ دے میں اس عنوان پہ گفتگو کر رہا ہوں. بالکل یہی صورت کسی کتاب کی ہو جاتی ہے جب انسان اس کے لیے کوئی فارمولا نہ ڈھونڈے کہ ہر مقام پر ایک ارتباط باطن ساتھ ساتھ. چنانچہ یہ تصور کہ ہم اپنا ایک محافظ چاہتے ہیں جو ہر حال میں بنا, جو ہر حال میں حفاظت ذات اور سیانت ذات کا لازمی نتیجہ ہے, کثرت نہیں وحدت. جہاں کثرت کا تصور آئے گا خوف, آج ان سے ڈریں, کل ان سے ڈریں, پھر ان سے ڈریں, پھر ان سے ڈریں, یہ خزاں کا بت ہے, وہ بہار کا خدا ہے, یہ اس دن کا خدا ہے, یہ اس دن کا خدا ہے, یہ جنگ کا خدا ہے, یہ صلح کا خدا ہے, کتنی چیزوں سے انسان ڈرے گا. تو حفاظت اور یقین کے کمال پر پہنچ کر وہ چاہتا ہے ایک محافظ, ایک قلع ہو, بہت ایک قلع ہو. اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہے سیانت ذات کہ بھاگے, پناہ مانگے, پناہ مانگے. یہ اس لیے میں نے اس گفتگو کو چھیڑ دیا ہے کہ صاحب کتاب نے اپنی بحث کا آغاز کر دیا فوراً ان چند جملوں کو بیان کر کے کہ اسلام میں توحید کا کیا تصور ہے. میں کہتا ہوں اگر سیانت ذات ہے حقیقت میں, حفاظت ذات ہے, تو یقیناً توحید ہے.
जो खुद अपनी हिफाजत नहीं चाहता वो किसी खुदा को नहीं मानता। मैंने कभी अर्ज किया था कि अफलातून ने एक मर्तबा अपने शागिर्दों से कहा कि आसमानों की कमाने और उन कमानों से हवादिस के तीर चल रहे हैं, इंसान हदफ है और अदरअंदाज तीर चलाने वाला खुद अल्लाह है। यह अफलातून कहता है वल्लाहो रामी और अदरअंदाज खुदा है, आसमान की कमाने हवादिस के तीर है, नशाना इंसान। यह अफलातून की गुफ्तगू कूफे की मस्जिद अमीरुल मोमिनीन के सामने दोहराई और अमीरुल मोमिनीन से अर्ज किया गया कि अफलातून का यह एक मसला था कि खुदा तीरंदाज है, कदरअंदाज है, आसमानों की कमानों से हवादिस के तीर चला रहा है, इंसान हदफ है, आइनल मफार, भागोगे कहां। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा फिरू इल्लाह, अल्लाह ही की तरफ भागो। फिरू इल्लाह, अल्लाह की तरफ भागो। अगर हिफाजत चाहते चाहने वाले माँ बाप ने बच्चे को तमाचा मारा, बच्चा दौड़ के मां से लिपट गया, मारने वाले बाप ही से लिपट गया, ये जानकर कोई और सहारा तो नहीं है। अगर तीर उधर से आ रहे हैं फिरू इल्लाह, फरार करो अल्लाह की तरफ। यह अमीरुल मोमिनीन का जुमला था मगर असल में यह कुरान का जुमला है, जहां इरशाद हुआ कि वजअलना मिन कुल शयइन ज़ौजैन, हमने हर शय में ज़ौज पैदा कर दिया, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम तज़क्कुर की मंजिल पर आओ, पहचानो, फ़िर्रू इलल्लाह। यह आयत की शान तो देखिए, हमने हर चीज में एक ज़ौज को पैदा किया। ज़ौज के क्या माने, यानी तरकीब को पैदा किया, जहां तरकीब है वहां एहतियाज है, जो तरकीब रखता है मोहताज है। सारी चीजें जिनको हमने पैदा किया है सब में एहतियाज, समझ फकत एक है, फिरू इल्लाह, मोहताज मोहताज की तरफ न जाए, मोहताज समद की तरफ जाए, मोहताज उसकी तरफ जाए जो गरीब है, जिसको एहतियाज नहीं है। यानी जालना फी कुल शयइन ज़ौजैन ने ऐलान कर दिया कि कायनात की हर चीज मुरक्कब है, तरकीब है, वो छोटे से छोटा कलिया ही क्यों ना हो, तरकीब है, मुरक्कब है, अनासुर है। जहां तरकीब है वहां एहतियाज, जहां एहतियाज है वो खुद मोहताज है, दूसरे की हिफाजत क्या करेगा। इसलिए फिर्रू इल्लाह, अल्लाह की तरफ फरार करो। तो ये सियानत जात का मसला ऐसा है कि इंसान चाहता है कि कोई उसकी हिफाजत करे, कोई उसकी हिफाजत करे, और ऐसी मंजिल पर वो अपने लिए एक मुहाफिज हकीकी चाहता है, जो रात की तन्हाई में मुहाफिज हो, जब ये सो जाए तो मुहाफिज हो, जब कोई न रहे मुहाफिज हो, जब सहारे टूट जाए मुहाफिज हो, जब दुनिया दुश्मन हो जाए मुहाफिज हो, जब सारा आलम मुखालिफ हो जाए या तन्हा हो, तो उस तन्हाई में वो आवाज दे और इसको यकीन हो कि मुहाफिज को पुकारने और चीख कर बुलाने की जरूरत नहीं है, आंख को सुनता है, दिल की आवाज को सुनता है, सांस की हरकत को सुनता है, नफस के कैफियत को, उसके जेर और पम को जानता है। इसलिए बड़ा यकीन है कि वो मेरा मुहाफिज है, वो मेरा मुहाफिज। मगर इसी तहफ्फुज़ ज़ात, इसी सियानत ज़ात में एक मरतबा यह ख्याल आता कि अगर हा मुहाफिज को तन्हा ही छोड़ दूं तो कहीं शैतान हमला ना कर दे मेरे अकीदे पर, कहीं शैतान मुझे रास्ते से न हटा दे। यानी अपनी हिफाजत की फिक्र में अकीदा बारी को तन्हा नहीं रखना चाहता, वो जानता है
کہ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلا ہے، من دخل حسنی امن من عذابی، جو میرے قلعے میں آ جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا، وہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ قلا ہے، اسی کا قلا ہے، حسن حسین ہے، مگر وہ نہیں چاہتا ان کے کھلے میدان میں ایک بیابان لا متناہی میں اکیلا قلا نظر آئے، کیونکہ جہاں اس قلعے کا تصور عقل میں، فکر میں، یقین میں آئے گا، انسانی اعتبار سے شکوک بھی پیدا ہوں گے، شبہات بھی پیدا ہوں گے اور ریب آئے گا، اس لیے یہ تحفظ ذات ہی کی کوشش ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس قلعے کو اور محفوظ کروں، اس قلعے کو اور محفوظ کروں، لا الہ الا اللہ حسنی تو ہے مگر بے شرطہ، بے شرطہ و شروطہ، اب وہ شرط و شروط کو قلعے کے اطراف معین کرتا جاتا ہے، یہ پہلی شرط، یہ دوسری شرط، یہ تیسری شرط، یہ چوتھی شرط، یہ پانچویں شرط، یہ چھٹی شرط، 12 شرطیں اطراف، اور اس کے بعد یہ سب حفاظت ہے، یہ سب صیانت ہے، کہ کہیں وہ عقیدہ توحید تنہا ہو کر میرے دل و دماغ میں اس کا مرکز نہ بنے، اس لیے اب اس معقول کو محسوس بھی کرتے چلو، معقول تھا قلعہ، اس کے اطراف محسوس آئیں دیواریں، محسوس ہو گئیں کچھ چند فصیلیں، اور کہا کہ اب حفاظت ہوگی، عقیدے کی حفاظت ہوگی، خدا کی نہیں، خدا کی حفاظت کے لیے نہیں، اسی توحید کی حفاظت کے لیے ہے، نیشاپور میں جاتے ہوئے جب یہ فرمایا کہ مجھ سے میرے آبا و اجداد، مجھ تک میرے آبا و اجداد سے یہ روایت پہنچی ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلا ہے، تو پھر اسحاق ابن راہویہ کہتا ہے جو شیخ بخاری ہے، کہ سواری کچھ دور آگے بڑھی، پھر پردہ محمل کو اٹھا کے کہا بے شرطہا و شروطہا، وہ انا من شروطہا، وہ انا من شروطہا، میں بھی اس کی ایک شرط، اس کی ایک شرط ہوں، یعنی محسوس کو سامنے کر دیا تاکہ معقول محفوظ رہے، معقول محفوظ رہے، اتنے شرائط آئے، دنیا نہ سمجھ سکے، دنیا نہ سمجھ سکی، دنیا گھبرا گئی کہ شاید یہ سب بدعتیں ہیں، یہ سب شرک ہیں، یہ ساری چیزیں نئی نئی معلوم ہوتی ہیں، بہرحال مجھے تفصیلات میں اتنی دور تک کسی کو لے جانے کی ضرورت نہیں، بدعت پر گفتگو چھڑ گئی، تو اتنا عرض کروں کہ کچھ بدعتیں بری ہیں، کچھ بدعتیں اچھی ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، کچھ بدعتیں بری ہیں، کچھ بدعتیں اچھی ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں اسلامیات کا کوئی موضوع نہیں تھا، اسلامک آئیڈیالوجی کا کوئی سبجیکٹ نہیں تھا، 4 برس پہلے، یہ بالکل نیا سبجیکٹ ہے، اس لیے بدعت ہے، مگر اچھی بدعت ہے، اس سے پہلے کوئی مضمون نہیں تھا، مگر اچھی بدعت ہے، نعم البدعہ، اچھی بدعت ہے کہ انسان سوچ سکتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی میں جو مباحث چھڑ گئے، اور جہاں تک کہ ہم دیکھ رہے ہیں ان مباحث کو، وہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ جبر ہے دل پر، کچھ جبر ہے دل پر، کچھ ڈائریکٹو ہے اوپر کا، اور کچھ یہ خیال ہے کہ قوم اپنی انفرادیت کو بغیر بحیثیت مسلمان کے باقی رکھے، تو ان چیزوں کو ساتھ لے کر ایک عالم جبر میں کچھ لکھا گیا، جہاں دل قلم کا ساتھ نہ دے سکا، اور قلم اپنی مجبوریوں کو جانتا تھا، اس لیے عجیب عجیب چیزیں سامنے آئیں، عجیب عجیب چیزیں سامنے آئیں،
यानी पहले तो ये डायरेक्टिव था कि इस किताब में इस्लामियात पे जो लिखा जाए। बुजुर्ग आले दीन के नाम ना है इस वास्ते कि शख्सियतों से इंसानियत वाबस्ता है, अफराद वाबस्ता है, जमातें वाबस्ता है। आपने एक शख्स का नाम लिख दिया, दूसरी जमात को तकलीफ होगी कि आपने वो नाम क्यों लिखा, हमारे शख्स का नाम क्यों नहीं लिखा। इसलिए डायरेक्टिव यह था कि अशखास के नाम न लिखा। चुनाचे कोशिश ये की गई कि अशखास का तस्करा ही ना हो, अशखास का तस्करा ही ना हो, मगर हमेशा से यह महरूमी रही है हमारे सोचने वालों की कि वो हम बला नसीबों का ख्याल करने में इतने मुनहमिक हो जाते हैं कि हमारी खातिर अब अपने अफराद का भी तस्करा नहीं करते। भाई अली का नाम नहीं लेते हैं पूरी किताब में, ना लो किसी का तो नाम लो, किसी का तो नाम लो ताकि ये मालूम हो कि फिक्र वहां से आ रही है। हम तसलसल चाहते हैं, तसलसल, ताकि किसी तरफ से तो पता चले कि तसलसल आया कहां से। ये सब आज ही के दौर के अफराद के नाम है। 10-12 उलमा ने मिलकर एक मजमून को लिखा, खुद मजमून मुसलसल ना हो सका, मजमून बेरब्त हो गया, और उसके बाद ये बतलाया गया कि देखिए हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने किसी का नाम नहीं लिया। जाहिर है आपने किसी का नाम नहीं लिया तो आप गैर मुसलसल हो गए, गैर मरबूत हो गए। किसी का नाम आता तो हम समझते हैं तसलसल तो है। बुखारी मुसलसल किताब है, मुस्लिम मुसलसल किताब है, इसलिए कि वो हवाले देता है रुवात के और जाता है रावी को लिए हुए खिदमत बासआदत रिसालत में, वहां से रावी को लेकर रिवायत के नकल के साथ वापस आता है और फिर उस पैगाम को आप तक पहुंचाता है। मुस्लिम का हवाला दीजिए, बुखारी का हवाला दीजिए, अफराद के हवाले दीजिए कि उन्होंने ये कहा, तो उसमें ये कम अज कम सोचने का मौका मिलता है कि आपने फिक्र को लिया कहां से। अब तो हो गई फिक्र अबतर, अब तो फिक्र हो गई अबतर, अब यह समझ में नहीं आता है कि इस फिक्र के मुतालिक क्या कहें। मेरी बहस उसी मकाम पे है, देखिए कि हम हिफाजत ज़ात के सिलसिले में अफराद तक पहुंच गए। मेरे सिलसिले कलाम को आप समझ रहे, हम हिफाजत ज़ात के सिलसिले में अफराद तक पहुंच गए। तौहीद हमारा मरकज, हमारी जिंदगी, हमारी हयात, हमारा ईमान, मगर उस अकीदे तौहीद के लिए लाजिम कि वो मुहाफिज हमारे नजदीक रहे, कि जो अपनी जिंदगियों को वक्फ कर चुके थे हिफाजत नजरिया तौहीद। मगर एक डायरेक्टिव यह मिला कि अफराद का नाम, मगर दिल में ख्वाहिश थी कि कहीं तो आ जाए तस्करा, कहीं तो आ जाए तस्करा। तो आज मैं अपने सिलसिले कलाम में अजीजों आपका बे इंतहा शुक्रगुजार होने के बाद मैं एक और एक किताब का हवाला दे रहा हूं। कल मैं इस्लामी नजरिए हयात खुर्शीद अहमद वाली किताब का हवाला दे रहा था, आज एक और किताब है दीन मुबीन, यह भी इस्लामिक आइडियोलॉजी पे लिखी गई है और इसके लिखने वाले मौलाना अब्दुस्सलाम सिद्दीकी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। यह किताब उससे इसलिए बेहतर है कि एक की लिखी हुई है, वहां बहुत से कलम है या एक कलम है, तो फिर भी इंसान को पता चलता है कि भाई एक का दिमाग काम कर रहा है, कुछ भी जो भी सोच रहा है वो एक आदमी सोच रहा है। मगर डायरेक्टिव वही था कि नाम ना आए, नाम ना आए। मगर मालूम नहीं इस्लामिक आइडियोलॉजी के साथ ये मजाक हो रहा है, यहां भी बिस्मिल्लाह नहीं, यानी कल वाली किताब में भी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है, या आज वाली किताब में भी दीन मुबीन में भी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आए ही नहीं। यानी ऐसा मालूम होता है कि नमाज में तो पढ़ते नहीं है, किताब में लिखते नहीं। जो किताब हमारी जिंदगी का आईन है, जो किताब इस्लामी जिंदगी का दस्तूर वाहिद है, उसमें 113 मर्तबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है, जिसको बार बार कहते हैं कुरान हमारे लिए है। एक लफ्ज को छोड़ते हुए
113 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। तो इस्लामिक आइडियोलॉजी पर किताब लिखते हुए एक मरतबा तो लिखा जाता, मगर यहां बड़े तलाश के बाद एक गोशे में टाइटल पेज पर लिखा हुआ था 786, मगर वो इस शान से लिखा हुआ था कि नीचे आयत लिखनी थी इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तो उन्होंने कहा 786 इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मैं समझा कि वक्त बचाने के लिए कितना अच्छा होगा 786 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौम अद्दीन, अब जहां बिस्मिल्लाह पढ़ना हो 786 के बाद सूरह पढ़ दिया जाए। कितना वक्त सर्फ होता है, कितना आपका कितनी एनर्जी आपकी जाती है एक मरतबा बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम लिखने से। यानी मैं ये नहीं कहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं कहते, जाहिर है फिरकेवारी बात हो गई। अरे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में तो फिरकेवारियत नहीं है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में तो फिरकेवारियत नहीं है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में तो फिरकेवारियत नहीं है। लीजिए इस किताब में भी, दीन मुबीन में भी कहीं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं है। एक शॉर्ट हैंड में गोया आदाद में 786 लिख दिया गया। मैं सोच रहा था कि अगर ये बुजुर्ग सूरह पूरे हम्द के आदाद भी निकाल लेते तो 786 के बाद 25,757 सुभान रब्बी अलअज़ीम हो गए। तो नमाज किस कदर जल्दी अदा हो जाती अगर आदाद याद हो जाए। उठते बैठते मुसलमान बच्चों को पहला सबक देना चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हवाई जहाज में सफर करने वालों ने जब देखा कि हादसात बहुत ज्यादा हो रहे हैं, दरखास्तों पर दरखास्तें देनी शुरू की कि जब हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो आपका अनाउंसर यह कहता है कि मौसम अच्छा है, हम 2:20 पे लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उनका खुदा के लिए इंशाल्लाह कहिए हमारी जानों से न खेलिए। तो हुकूमत ने उसको मंजूर कर लिया और कहा कि जब आप ये कहें कि हम 2 लाहौर पहुंचेंगे तो कहे ये कहो इंशाल्लाह हम 2 लाहौर पहुंचेंगे। बात ये थी वहां जाने की पड़ी थी, वहां ये था ऊपर है सहारा नहीं है। देखा आपने, यह है सियानत जात, क्या अपनी इबादत की फिक्र होती है, अल्लाह बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह सब है। ये बातें हैं याद रखने के काबिल है। तो मेरी तजवीज बहुत ही मामूली सी बात, छोटे बच्चों को उमूमन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हिफ्ज रहना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते सोते जाते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इतना बुरा ही क्या। मगर यह कि इस्लामिक आइडियोलॉजी पे जो किताबें लिखी जाएं उसमें किसी चैप्टर में आगाज में, खैर गुफ्तगू खत्म हुई वो सिलसिला कलाम मेरा याद है, हुआ ये कि डायरेक्टिव ये था कि अफराद के नाम न लिए जाएं। मगर जिंदगी का मेरी अजीब तरीन सानहा यह किताब, इन्हें मेरे सारे मुतालेआत मैंने कभी ये कैफियत महसूस नहीं की जिसको मैंने इस किताब के मुताले के बाद महसूस किया कि अजीब बात। सूरह आराफ में एक आयत है, मैं पहले आयत था, अच्छा ये आयत बड़ी अहम आयत है इस वास्ते कि सियानत ज़ात और हिफाजत ज़ात ही के सिलसिले में इंसान अपनी फिक्र से काम लेता है, नज़र से काम लेता है, सारी कायनात को देखता है, अपनी हिफाजत ही की राहों को ढूंढता है। तो आयत ये अवलम यतफक्करू, क्या हो गया ये फिक्र क्यों नहीं करते, मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नतिन, उनका साथी उनका रसूल उनके पास जो नबी बन के आया वो मजनून तो नहीं है, ये फिक्र क्यों नहीं करते कि उनका साहिब उनका साथी दीवाना तो नहीं है। अगर वो दीवाना समझते हैं तो और बात। अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नतिन इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन, वो दीवाना नहीं है, वो नज़ारत लेकर आया, वो डरा रहा है, वो तुम्हारी हिफाजत करना चाहता है, उसकी रोशन नजारत सिर्फ यह बतलाना चाहती है कि वो हर हाल में तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम उसको दीवाना ना समझो। आयत ये सूरह आराफ की और इसके बाद ही की आयत है अव
وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. یہ آیت اس میں نہیں ہے, میں پڑھ رہا ہوں. وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُمْ يُؤْمِنُونَ. کیا ہو گیا, یہ کیوں مشاہدہ نہیں کرتے ملکوت سماوات و ارض میں اور ہر اس چیز میں جس کو کہ ہم نے خلق کیا ہے؟ اگر انہوں نے یہ مشاہدہ نہیں کیا تو اس قوم کی موت قریب آ جائے گی. پھر اس کے بعد یہ کس حدیث پہ ایمان لائیں گے, کس کتاب پہ ایمان لائیں گے, کون سا قرآن آئے گا, یہ کیوں مشاہدہ نہیں کرتے؟ تو قرآن نے سورہ آراف میں فکر و نظر کی دعوت. فکر کرو کہ تمہارا نبی دیوانہ تو نہیں ہے, مشاہدہ کرو کہ کائنات غیر مسلسل تو نہیں ہے. اس کے بعد کون سی کتاب آئے؟ تو فکر و نظر کی دعوت دی. اولم یتفکروا اولم ینظروا, یہ آیت اس مقام پر تھی. اب اس آیت پر یہ تین جملے میرے سمجھ کے باہر ہیں. میں چاہتا ہوں کہ علماء میری مدد کریں, اور یہ کتاب ہے دین مبین اسلامک آئیڈیالوجی بمطابق نیا نصاب برائے بی اے بی ایس سی بی کام مولانا عبدالسلام صدیقی. خدا کے لیے کسی فرقے کے عالم کے پاس یہ کتاب پہنچائی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. قرآن بھی مبین, قرآن کی عملی تعبیر و تشکیل کے اعتبار سے حضور کی ذات بھی مبین. مبین ذات جینی کا جیم یہ نون, یہ کسی لغت میں یہ لفظ ہم نے آج تک نہیں دیکھا. اب دیکھیے کیوں یہ لفظ آیا, ما بے صاحب ہم من جنت. تو لکھتے ہیں ذات جینی کا ایک اہم کمال صحابہ رسول ہے. ذات جینی کا ایک اہم کمال صحابہ رسول ہیں, جو حضور کے اسوے میں رنگے جانے کی وجہ سے خود بھی حامل نظام معنی یعنی حاصل قرآن اور نمونہ بن گئے ہیں. نظیر مبین کی وضاحت کے لیے آیت زیل میں بطور قضیہ اولین اصحاب کا ذکر کیا گیا ہے, اصحاب کا ذکر کیا گیا. اور آیت یہ ہے اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنتین, کیا یہ فکر نہیں کرتے کہ ان کا رسول مجنون نہیں ہے؟ صاحب کو صحابہ سمجھ رہا ہے. قیامت قیامت ہے کہ ڈاکٹر ہے پی ایچ ڈی ہے, جب آپ کو عربی زبان میں ذرا سا بھی دخل نہیں ہے, ایک آیت کو آپ نے لیا سورہ آراف سے اور اس پہ تمہید قائم کر دی کہ صحابہ رنگ میں رنگے گئے تھے اور قرآن نے تذکرہ کیا ہے صحابہ کا, اور کس آیت میں کیا ہے؟ اولم یتفکروا, کیوں فکر نہیں کرتے؟ ما بصاحبہم من جنت, ان کا ساتھی ان کا رسول دیوانہ تو نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں لیجیے صحابہ کا تذکرہ ہو گیا. تو آپ نے دیکھا دل و دماغ میں باوجود اس ڈائریکٹو کے جو ایک ربط باطنی قائم ہے بزرگوں سے, ان بزرگوں کو وہ کہیں نہ کہیں کھینچنا چاہتا ہے, کہیں نہ کہیں کھینچنا چاہتا ہے. اور اس طرح سے ایک غلط آیت میں جہاں معنی نہیں ہے, ما بے صاحب ہم من جنت, ان کا ساتھی یعنی رسول, کسی قرآن کے ترجمے کو دیکھ لیجیے, رسول دیوانہ تو نہیں. ان کا دیکھیے صحابہ کی تعریف ہے. تو اگر یہ خدا نخواستہ کسی اور طبقے کی طرف سے یہ آیت لکھ کر اس طرح سے تذکرہ ہوتا تو آپ یہ کہتے دیکھیے برا کہا گیا, دیکھیے غلط طریقے سے یہ نام لیا گیا, اور عجب نہیں کاروائی بہت اوپر جاتی. مگر اللہ کا یہ شکر ہے, اللہ کا یہ شکر ہے کہ آپ کے قلم نے ساتھ دیا, آپ کے دل کا ساتھ دیا, اور کلام مجید کی جس آیت سے آپ نے فائدہ اٹھایا میرے اب تک سمجھ میں نہیں آیا. صاحب میں تو آ نہیں سکتے, اب وہ جنتن کا ایک لفظ رہ جاتا ہے اور اس کو ذات جینی جو آپ نے کہا, ذات جینی یعنی آپ نے شاید جنت کے معنی جنت کے لے لیے, حالانکہ جنہ کے معنی جنون کے ہیں.
जुनून के हैं, जिन्ना जुनून। इस वास्ते एक अजीब बहस लुगत में ये थी कि जिन की जमा जिन्नात, अजिन्ना न कहो इसलिए कि ये मजनूनों की जमा है। एक यूं भी बहस लुगत में, मगर यहां जो जिन्ना है वो तो मजनून के माना में। आपने ये सोचा होगा कि शायद जन्नत की गुफ्तगू है, तो क्या देखिए यहां भी तस्करा है कि कहां रहेंगे, किस बुलंदी पर रहेंगे। तो अब हमसे गिला न कीजिए, अब हमसे गिला न कीजिए, लिख रहे हैं, मुब्तला हो रहे हैं, यानी एक मर्तबा लिखा पूरी किताब में फंस गए, एक मर्तबा लिखा पूरी किताब में वो भी फंस गए। बहरहाल इस किताब के भी तमाम अनावीन वही है, यानी चूंकि सिलेबस मुकर्रर कर दिया गया है कि आप ये बहस करेंगे, ये बहस करेंगे, ये बहस करेंगे, इस तरह से ये सिलेबस आगे बढ़ गया और हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। मैं सिर्फ ये चाहता था कि अगर हिफाजत ज़ात के मुतालिक आप समझ सके और सियानत ज़ात, तहफ़्फ़ुज़ ज़ात, ये बड़ा अहम मसला है इंसान का, तौहीद से लेकर क़यामत तक एक उन्वान पर आप सारे मसाइल को जमा कर सकते हैं, पूरे मसाइल। मैं थोड़ी देर रह गई है, मैं एक अहम मंजिल तक पहुंचूं और उसके बाद आगे बढ़ूं। अब एक बात याद रखिए, तहफ़्फ़ुज़ ज़ात के बाद आप, तो ये बुनियादी मसला है, अब बहस कहां से शुरू करेंगे आप। मैंने कहा था कि हम एक मुतबादिल निजाम, मुतवाजी निजाम, इस्लामी नजरिया हयात का पेश कर रहे हैं। हमने पहले मसले का जवाब दिया कि इंसान का बुनियादी नजरिया मसला तहफ्फुज़ ज़ात। तहफ्फुज़ ज़ात में तौहीद भी है, अदल भी है, नबुव्वत भी है, हिदायत भी है, क़यामत भी। अब बहस कहां से शुरू होगी? खुदा को एक समझाना, रसूल को मनवाना, कुरान को मनवाना, नमाज को मनवाना, यहां से शुरू करेंगे आप? नहीं, आप कुरान की पैरवी कीजिए। ज़ालिकल किताब ला रही वैसी हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीन युमिनून बिलगैब। और आपको ताज्जुब होगा कि 25 आयतों तक फकत इंसान की सिंफों को कुरान ने गुफ्तगू की। ये मोमिन है, ये काफिर है। अंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। अब तुम इनको डराओ या ना डराओ, ये ईमान लाने वाले नहीं है। इनके दिलों पे मोहर लगा दी है, इनके दिल में बीमारी है। एक और तबका है जो कभी उधर जाता है, कभी इधर आता है। जब तुम बुलाते हो तुम्हारे पास आते हैं, और फिर जब तुम्हारी महफिल खत्म होती है उधर जाके कहते हैं हम तुम्हारे साथ थे, हम इनका मजाक उड़ा रहे थे। ये तीसरी सिंफ है कुरान में। जो हजरात सूरह बकरा पहले पढ़ चुके हैं उनको मुझे तो आयतें पढ़कर सुनाने की जरूरत नहीं है। पहले असनाफ इंसानी पर गुफ्तगू है, जहां यह गुफ्तगू खत्म हुई एक मरतबा आवाज दी, इस कौल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा। सूरह बकरा, जहां बहस इंसान से खत्म हुई, बहस छिड़ गई खिलाफ। तो आपने जो इस्लाम के नजरिए सियासी को 500 सफे के करीब ले जाके पेश किया है, नहीं, उसका आगाज तो पहले होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो एक गाइडेंस है कि उसकी निगाहों से रसूल को देखे, उसकी फिक्र से खुदा को पहचाने, उसके अमल से अमल सीखें, उसकी हिदायतों से राह पाएं। इसलिए घबराते घबराते हैरानी में परेशान होते हुए ये 450 सफ़े गुजारने के बाद जो मसले खिलाफत पर गुफ्तगू की, यहां तो किताब खुलते ही मसले खिलाफत आना चाहिए था। इस वास्ते कि अगर कोई गाइडेंस नहीं है, अगर कोई वली नहीं है, अगर कोई मौला नहीं है, तो सारी फिक्र गलत है। इतना कामिल कोई सामने रहे के जो आईना बने ज़ात वाजिब के और इंसानों के दरमियान, के ज़ात वाजिब जलवा करे उस आईने पर और उस आईने का अक्स हम पे पड़े। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, ये सूरह बकरा 25-26 आयतों के बाद ही आप खोल के पढ़े। तो क्यों इस्लामी नजरिया है आपको इस मसले से क्यों शुरू नहीं होना चाहिए? आप मेरी बातें समझ रहे हैं कि जब कोई सरपरस्त रहे, जब कोई कायद रहे, जब कोई बुजुर्ग रहे, जब कोई रहनुमा रहे, हादी रहे, तो इंसान में घबराहट नहीं होती, हैरानी नहीं होती, परेशानी नहीं होती, वो तहफ्फुज़ के साथ हर फिक्र में आगे बढ़ता है।
जो मुझसे मेरे सरदार ने कहा। पहले सिर्फ यह देखना पड़ता है कि सरदार कैसा है, सरदार कैसा है। अमदन झूठ तो नहीं बोलता, अपनी मफाद की खातिर धोखा तो नहीं देता, जाती रुझानात में तो मुब्तला नहीं है, कबीला परवरी का तो आदि नहीं है, निपोटिज्म फेवरिटिज्म का तो आदि नहीं है। और जहां आपने ये देखा कि सरदार मुत्तकी है, मुजाहिद है, सादिक है, शुजा है, जाहिद है, आफिद है, आपका मुहाफिज है, दिन और रात आपकी फिक्र में मुब्तला है, भरोसा कीजिए। आपने देखा, इसलिए मेरे दोस्त ये है हमारे लिए इस्लामी नजरिया हयात के मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी ने दायमुल इस्लाम का बाप जहां कायम किया, इस्लाम के सुतून। पहली रिवायत ये दी कि पांच अरकान है, नमाज, रोजा, हज, जकात, विलायत। और विलायत की बहस करते हुए कहा, नमाज को समझ सके विलायत के जरिए, रोजे को समझ सके हम विलायत के जरिए, हज को जान सके विलायत के जरिए, जकात की अहमियत को पहचान सके विलायत के जरिए। कोई एक ऐसे मुअल्लिम की जरूरत पहले है, वरना कोई जरूरत न थी सूरह बकरा में खिलाफत आदम पर गुफ्तगू करने की। बतलाना यह था कि इंसानी दर्स जहां शुरू होगा पहले मुअल्लिम आएगा, पहले हादी आएगा। तो उस घबराहट में जो डायरेक्टिव था कि नाम ना आए, तो उससे बचने के लिए उसको आखिर तक ले जाके छोड़ दिया, ताकि आला जमातों में एक जरा सा सरसरी तौर पर इस मसले पे भी नजर रहे। ये इस्लाम का बुनियादी मसला है, ये बुनियादी मसला है कि कौन है तुम्हारा निगरान, कौन है तुम्हारा मुहाफिज, कौन है तुम्हारा सरदार, कौन है तुम्हारे ख्यालात का मरकज, कौन है तुम्हारे अकायद के लिए सुतून। अगर कोई नहीं है तो कोई इंसान बात करने के भी काबिल नहीं, बात करने के भी काबिल नहीं। और जहां आपने कहा कि देखिए मेरा सोर्स ये है, मेरा रूट ये है, मैं इस खजाने आपसे पानी पी रहा हूं, मैं इस खजाने इल्म से इल्म को ले रहा हूं, तो सनद मिलती है, आदमी मुस्तनद होता है, वरना सब अताई होते हैं। तो हम उस इस्तनाद को देखते हैं और चाहते हैं कि कोई मरकज, कोई मरकज। अब यह बहस के कौन हो, जाहिर है हमारा दखल नहीं है, हमको पढ़ाया जा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, मेरे जुमलों को समझने की कोशिश कीजिए, हमको पढ़ाया जा रहा है, हम पढ़ रहे हैं। और फिर ये नहीं कहते कि यही पढ़ाइए, नहीं, जो दिल में आए पढ़ाइए, पढ़ाइए। इसलिए कि डिग्री लेना है, डिग्री ईमान तो है न, डिग्री के मुताल्लिक खबर में पूछा जाएगा बीए पास हो, खबर में तो नहीं पूछते ना, क्यों इस्लामी नजरिया है, आपका पर्चा कैसा था, कितने सवालात किए थे, पढ़ाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। लेकिन उस पढ़ाने में अगर यह जुरात हो कि जो आपकी सही फिक्र है वही पेश कर दे, तो जब तो हम ये समझे कि वाकई एक ऐसे नजरिए की तरफ हमारी रहबरी की जा रही है कि जिस नजरिए का बयान करने वाला अपने दिल में मुतमईन है। सारी किताब तो तकिया से भरी पड़ गई, आप कहना कुछ चाहते हैं, लिखते कुछ है, दिल में आपके कुछ है, आपका कलम कुछ कह रहा है, पूरी किताब में तो तकिया है कि आप अपने बुजुर्गों का अगर नाम लेना चाहते हैं मगर छुपाते जाते हैं। इसलिए हमको हैरानी होती है कि ये हमको कहां जाना है, हमको कहां जाना। बहरहाल एक मंजिल आई और इस्लामी नजरिया है आपके, जो सरकारी किताब है, सरकारी किताब है खुर्शीद अहमद साहब वाली, वो छिपाते 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 अपने दिल के एहसास को एक रिसालत की मंजिल पर आए। और रिसालत की मंजिल पर आके उन्होंने कहा पैगंबर का आदिल, ऐसा आदिल था पैगंबर, कैसा आदिल था पैगंबर का आदिल, यह था कि एक मुमताज कबीले की एक मुमताज औरत ने चोरी की, पैगंबर ने हुक्म दिया हाथ काट,
बड़े बड़े साहबा ने सिफारिश की, अब मैं किताब खोल के नहीं पाऊंगा, बहरहाल बड़े बड़े साहबा ने सिफारिश की। आपने कहा अगर फातिमा बिनते मोहम्मद चोरी करे तो मैं हाथ काट डालूं। मुस्लिम ब्रैकेट में पूरी किताब में एक रिवायत है, पूरी किताब। बहरहाल मुझे कोई एतराज नहीं है क्योंकि आपने मुस्लिम का हवाला दे दिया। देखिए मैं जो अर्ज कर रहा हूं, आपने मुस्लिम का हवाला दिया इसलिए, मगर इसका मकसद क्या था? मकसद यह था कि पैगंबर ने एक ऐसी बीबी का नाम लिया जो महबूब तरीन है पैगंबर को। आप उसे यही मतलब लेना चाह रहे हैं ना कि जिसको रसूल सबसे ज्यादा दो सकते थे उसको कह दिया कि मैं इसका उसका भी हाथ काट डालूंगा। तो कम से कम इस हदीस के इस रुख से गाफिल न रहे, कोई और अगर महबूब होता इनसे ज्यादा तो उसका हाथ काट डालूं। जाने की बात नहीं है, हम इन रिवायतों को पढ़ के हैरान नहीं होते, हम तो पहलू देखते हैं कि सही माना में इसमें हमारी हिफाजत का पहलू क्या है। हिफाजत का पहलू यह है कि अगर कोई और महबूब तरीन होता तो उसके लिए भी यही कहते हैं। मगर मुझे सिर्फ इतना है कि पूरी किताब में अफराद के नाम नहीं लिए गए, आखिर में इस तरह से इस हदीस को नकल कर देने में कुछ सेहत नहीं मालूम होती फिक्र की, कुछ मुनासिबत भी नहीं है, कुछ मुनासिबत भी नहीं है इसलिए कि रसूल का कलमा पढ़ते हैं, रसूल का नाम अजामी लेते हैं। अगर इसी किस्म की अदालत की तारीफ आज पाकिस्तान के सदर की जाए और उनके मुतालिक भी ये कहा जाए कि उन्होंने ये कहा, अपने किसी अजीज के मुतालिक, या कोई हमारे हाकिम का नाम लिया जाए कि उन्होंने ये कहा अदल की तारीफ कि मैं बेटे का हाथ काट डालूंगा, लिख सकते हैं आप मोहम्मद मर गए। आप समझ रहे हैं मोहम्मद मर गए इसलिए जो चाहे लिखो, जो चाहे लिखो। एहतराम नहीं, एहतराम नहीं रहा पैगंबर का, एहतराम नहीं रहा। इस्लामी नजरिया हयात पे गुफ्तगू है, एहतराम पैगंबर नहीं है। इस तरह से कोई नाम लेता है? सूरह हुजरात अंग्रेजी में इसको चैम्बर्स कहते हैं, अंग्रेजी मुतरजमीन ने इसको चैम्बर्स लिखा। सूरह हुजरात ये 9 हिजरी में ये सूरह आया है, 9 हिजरी यानी इसके फौरन बाद सूरह बरात, और ये आखिरी वही है सूरह हुजरात। तो पैगंबर कितना एजुकेट कर चुके हैं अपनी पब्लिक को, अपने ऑडियंस को, अपनी उम्मत को, अपनी कौम को, कितनी तरबियत दे चुके हैं? इतनी तरबियत कि मक्के के 12 बरस, मदीने के 9 बरस, 21 बरस, 21वें साल सूरह हुजरात। और सूरह हुजरात की आयत है इन्ना लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात अक्सरहुम ला याकिलून। अय हबीब, बाहर खड़े रह के लोग तेरा नाम लेके पुकारते हैं मोहम्मद मोहम्मद, इनसे कह दो इनकी अक्सरियत बेअक्ल है। 21 बरस की तबलीग के बाद मोहम्मद की जिंदगी में जब अक्सरियत बेअक्ल हो, आप समझे मेरी बात? इस तरह से पुकारते हैं बाहर खड़े होकर नाम लेके। तो जो मोहम्मद का नाम लेने में जिनको बाक नहीं हो, फातिमा बिनते मोहम्मद का नाम लेने में क्या बात है? अक्सर हम ला याकिलून, ताकुल नहीं है, एहतराम नहीं है। और एहतराम इसीलिए नहीं है कि इंसान ये समझता है कि मुझसे उनसे रब्त क्या है, मगर जहां हम हैं वहां हमारा रब्त यही है कि हम ये समझते हैं कि हमारे मुहाफिजान हकीकी अल्लाह की मर्जी के नुमाइंदगी करते हुए वही है। गुफ्तगु आज खत्म, मैंने थोड़ा सा वक्त ले लिया, मैंने कल भी तकरीर में कोई 10 मिनट आपसे ज्यादा लिए हैं और आज भी 10 मिनट मैंने ज्यादा लिए हैं, मैं आपसे माजरत खाऊं। मगर मसाइल इतने ज्यादा हैं कि मुसलसल तकरीरों के बावजूद भी मैं ऐसा महसूस करता हूं कि एक तशनगी सी है। बहर सूरत ये आदत आज की नहीं है। फातिमा बिनते मोहम्मद पुकारना आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बातें हैं। मैंने जैसा किया क्या सूरह हुजरात की आयत, पैगंबर का नाम लेते थे, पैगंबर का नाम लेके पुकारते, बाहर खड़े होके आवाज दे मोहम्मद बाहर आ। तो एहतराम न रहा, जहां एहतराम न रहा वहां
जाती रुझानात ने यह तय किया कि जिसको मोहतरम नहीं समझते उसके वजूद का एहतराम क्या है, और वो न रहे तो नुकसान क्या है, रास्ते से हटा दो, घर को मिटा दो, कत्ल कर दो, नस्लों को मिटा दो। तो देखिए यही है वो मंजिल कि जिन लोगों ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात अर्ज कर दूं फिर वो तशनगी चूंकि रह जाती है दो चार मिनट का, हमारी हद तक हमारा तारुफ आपने तो आपको हो चुका होगा हमारा तारुफ कि यहां अगर नाम जबान पर आए तो सर झुक जाते हैं दुरूद के साथ, ये हमारी जिंदगी, ये हमारी जिंदगी है। दीवानापन है तो ये है, बेअकली है तो ये है, अगर इश्क है तो ये है, जुनून है तो ये। नाम आया सर को झुका दिया। अब जब उनका इतना एहतराम है तो हमने देखा उनके घराने को लूटते हुए, तबाह होते, बर्बाद होते, हमने देखा कि इस ये तय करके चले कि नस्ल को कता कर, तो तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अगर एहतराम इनके दिलों में होता, इनके दिलों में एहतराम होता तो कोई किताब नहीं लिखी जाती इस्लाम के सिलसिले में जब तक कि यह ऐलान न किया जाता कि एक मुस्तकिल कोशिश की गई है इस्लाम में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के नजरियात को, उनके ऐलानात हिदायत को, उनकी कोशिशों को मिटाने की एक मुस्तकिल कोशिश की गई है। यह लिखता हर जिम्मेदार लिखने वाला लिखता, मगर लिखना तो एक तरफ, उनकी दाद भी दी जा रही है, बनी उमैया की भी तारीफ की जा रही है, कातिलों को भी सराहा जा रहा है, हुसैन इब्ने अली पे तबसरा भी हो रहा है कि क्यों गए थे, क्या वजूहात थे, खामोश हो जाते तो अच्छा था। ये बातें हैं, जारी हैं, लेकिन बहर सूरत चूंकि हमारे जज्बात उस घराने से दुनिया पर रोशन है, इसलिए हमने यही सोचा, हमने यही सोचा कि अगर जिंदगी अकलानी है, अगर जिंदगी रूहानी है, जैसा कि मैं शाम गरीब, अगर जिंदगी मुस्तमर है, अगर हयात कायम है, तो हमारा सहारा मौजूद। 23 मिनट की तकरीर में सब कुछ तो नहीं कहा जा सकता था, मैंने बड़े अजीब इशारे किए। अगर वो हयात मुस्तमर है तो हमारे सहारे मौजूद, और अगर वो सहारे हैं तो हमारा गम हमारी खुशी उन्हीं से वाबस्ता, उन्हीं से वाबस्ता। ये मुहर्रम का महीना है, अहले बैत कूफे से निकल चुके, एक मुख्तसर सा जायज, मुख्तसर 10 मुहर्रम को करबला में जहरा का घर उजाड़, 11 मुहर्रम को अहले बैत करबला से चले, 12 को कूफे के दरबार में आए, 13 को इब्न जियाद ने मस्जिद कूफा में खुतबा दिया और इजाजत दे दी कि अब अहले बैत चले, अहले बैत चले। अब जो अहले बैत की रुख्सत का वक्त आया तो इसने ये कहा कि अहले बैत को शहर के आम रास्तों से ले जाओ और ऐलान करते जाओ कि दारुस्सल्तनत शाम को कैदी जा रहे हैं। मैंने कल भी पूछा, आज फिर पूछ रहा हूं, कोई समझदार खुदा के लिए गौर करें। झगड़ा अगर हुसैन से था तो करबला को तो कत्ल हुसैन के बाद खत्म हो जाना चाहिए। अगर मुलुकियत का मकसद कत्ल हुसैन है तो शहादत हुसैन के बाद तो इस किस्से को मुअर्रिख को खत्म कर देना चाहिए था कि हुसैन कत्ल हो गए, बीबियां मदीना आ गई।
आलम इस्लाम के पास कोई माजरत है कि मोहम्मद की नवासियां अब हर दरबार में जाएंगी? ये कूफे से रुखसत है। ज़ैद इब्न अरकम बयान करता है, ये मशहूर रावी है, सकलैन की रिवायत का रावी है, गदीर के खुतबे का रावी है। ज़ैद इब्न अरकम ने हुसैन इब्न अली का बचपन देखा है। ज़ैद इब्न अरकम का सन तकरीबन 80 और 82 बरस का। वो कहता है कि मैं इंतहाई कमजोरी के आलम में अपने घर के बालाखाने पे बैठा हूं, मुझे इत्तला नहीं थी कि जालिम ने यह हुक्म दिया है कि शाहराह आम से कैदी गुजारे जाए। कि एक मरतबा मैंने एकाएक ये देखा कि मेरे बाला खाने की खिड़की के पास से एक नैले पर एक सर हरकत कर रहा है। मैं दौड़ता हुआ करीब आया, मैंने गौर से देखा तो मेरे शहजादे का सर। मैंने घबरा के पूछा कि ये हुसैन इब्न अली का सर है? कहा हाँ। और सरे अक्दस की जबान मुबारक को जुम्बिश थी और ये आयत सुनी गई, ये ज़ैद इब्न अरकम ये आयत सुनी गई, अम हसिबत अन्नासाब अलकहफ वर्रकीब कानू मिन आयातिना अजबा। ज़ैद इब्न अरकम ने कहा खुदा की कसम फरजंद रसूल, आपके घर के हादसे से किसी के घर का वाकया अजीब तर नहीं है। ज़ैद इब्न अरकम बयान करता है मेरी ज़ईफ़ी ने मुझे इजाजत नहीं दी, मगर मैंने बाला खाने पर से देखा कि शाहराह आम पर तमाशाई रोटियों को तोड़ते जाते थे और आले रसूल पर वो रोटियों के टुकड़े फेंकते थे, खजूर फेंकते थे और कहते जाते थे असीरो खा लो, और शहजादी ज़ैनब नाके से पुकार रही थी सदका आले मोहम्मद पे हराम है, सदका आले मोहम्मद पे हराम है। ज़ैद इब्न अरकम बयान करता है कि इसी आलम में सवारियां गुजरती चली और वो नाका के जिस पर सानिया ज़हरा तशरीफ़ फरमा थी, जब वो नाका करीब आया तो उसने देखा कि सानिया ज़हरा की गोद में एक नन्ही सी बच्ची बैठी है जो बार बार फुपी से कहती है फुपी अम्मा ये लोग तो सदके की रोटियां फेंक रहे हैं, मैं तो नहीं खाऊंगी मगर मैं पानी मांगू। खुदा बंदा हमको कामिल ईमान, हमारे हवाइज दीनी और दुनियावी पर मिल्लत को मुत्तहिद कर, मम्लकत को मुस्तहकम।